अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और विंटर को खूब एंजॉय कर रहे होंगे जी। तो आज मैं आपके लिए विंटर रेसिपी लाई हूँ और ये बहुत ही मजे की है। आप सुबह इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं स्कूल के लिए। तो इसके लिए जो चीजें चाहिए, हाँ आप तो पूछना चाहेंगे ना कि इस रेसिपी का नाम क्या है, तो चले मैं आपको बताती हूँ। चीजी चिकन क्रेप्स इसका नाम है। तो ये बहुत ही मजे के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप इस डिश को जरूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को। तो चलें फिर बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे बैटर। बैटर के लिए जो चीजें चाहिए, देखें, एक कप हमने लिया है मैदा और दो अदर हमने लिए हैं अंडे और 1 टीस्पून हमारे पास है ये नमक, 1 टीस्पून हमारे पास है चीनी और ये 4 टेबलस्पून हमने लिया है कुकिंग ऑयल। और इसके बाद ये देखें, ये तो चीजें हो गई हमारी जो ये हम बैटर बनाएंगे इसके लिए। और ये देखें कप, एक कप जो है हमने दूध लिया है और एक कप जो है हमने गर्म पानी लिया है। अच्छा जी, पानी गर्म है, आप भी गर्म पानी इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो हम बनाएंगे इसकी फिलिंग, फिलिंग के लिए जो हमें चीजें चाहिए, देखें, एक कप मैंने चिकन लेके और इसको ये देखें श्रेड कर लिया था बॉईल करके, और प्याज मैंने लिए एक अदद लार्ज साइज की प्याज लेके और इसको मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए ये देखें मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, मोजरेला चीज है, ये मैंने श्रेड कर लिया था, 1 कप है हमारे पास। और जी इसमें शामिल होगा हमारे पास ये देखें, ये जो है काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद ये देखें जी, ये हमें चाहिए शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च जो है आधी काट के मैंने चॉप कर ली है। ऑलिव्स हमें चाहिए होंगे थोड़े से, आपकी मर्जी, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें धनिया मैंने काट लिया था, 2 टेबल स्पून धनिया है। और ये देखें एक अदद हरी मिर्च लेके मैंने चॉप कर ली थी, अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते तो आप इसमें ना शामिल करें। और नमक हमें चाहिए थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल हमें दोबारा इसके लिए चाहिए होगा थोड़ा सा। तो चलें फिर बनाने स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, ये देखिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया था मैदा 1 कप, मैंने आपको नोट करवाया था। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, तो ये देख लें 2 अदद मैंने इसमें अंडे शामिल किए हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये देखिए नमक और इसको हम अच्छी तरह से जो है फेंटेंगे। ये देखें इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे इसको और ये देखें इस तरह। और इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, मेरे बच्चे बटर नहीं खाते इसलिए मैं बटर नहीं यूज करूंगी। ये देखें इस तरह मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें शामिल करते जाएंगे दूध। ये देखें दूध है हमारे पास, ये थोड़ा थोड़ा हमने गर्म कर लिया था, ये देखें इसको साथ साथ जो है हमने मिक्स करते जाना है सही, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा हम करते जाएंगे, इसमें गुठलियां ना बने, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें जो है इसको मिक्स करते जाएंगे। देखें थोड़ा थोड़ा सा दूध, अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए इस तरह से बैटर बन चुका है। अभी लास्ट जो है हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी हमने पहले से जो है गर्म करके वो रखा था, तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल करना है। ये देखें बिल्कुल गर्म पानी होना चाहिए, गर्म पानी होगा तो आपके ये जो क्रेप्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। ये देखें इसको अच्छी तरह से हमने ये देखें मिक्स करना है, बैटर बनाना है इसका, पतला सा, ज्यादा हमने थिक नहीं रखना है, थिन सा बैटर इसका होना चाहिए। ये देखें ये देखें ये देखें इस तरह से, और इसको मैं अभी रख दूंगी साइड में थोड़ा सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट, जब तक हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। तो ये देखें ये, तो इसको मैं रख दूंगी साइड में। अच्छा जी, ये देखें फिलिंग के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, अभी ऑन करूंगी मैं फ्लेम और इसमें मैं शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून जितना हमने शामिल करना है। ये देखें बस इतना सा, ये देखें कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज, चॉप किया हुआ प्याज था मेरे पास, ये देखें और
और इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कलर, पिंक पिंक कलर थोड़ा सा हो जाएगा फिर हमको। तो ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल करूंगी, ये देखिए मैदा है मेरे पास, ये 3 टेबलस्पून मैदा है, 3 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं, 3 टेबलस्पून। ये देखिए इस तरह हम इसको भुनेंगे मैदे को, देखिए, और फ्लेम में बिल्कुल जो है हमने स्लो रखनी है, तेज आंच हमने नहीं रखनी है। ये देखें इसको भूनना है हमने अच्छी तरह से, जब इसकी खुशबू थोड़ी सी आ जाएगी फिर हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो ये देखें मैदा जो है भुन चुका है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल करूंगी दूध, दूध हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 कप दूध। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, देखें जल्दी जल्दी हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियां जो है ना बने। ये देखें अभी मैं इसमें शामिल करूंगी ये चिकन जो हमारे पास था, बॉयल चिकन 1 कप, इसको मिक्स करूंगी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको नोट करवाया था ना, ये काली मिर्च पाउडर, ये 1 टेबल स्पून, और नमक हमारे पास है 1 टीस्पून, इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, और ब्लैक पेपर हमने इसमें शामिल किया है, आप जो है रेड चिली भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है सुबह नाश्ते में जो होता है, आपको पता है ज्यादा स्पाइसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ा सा हल्का जो है तीखा जो है वो अच्छा लगता है। तो ये देखें, और अभी साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी ये जो मेरे पास था धनिया, और ये हरी मिर्चें जो चॉप करके मैंने रखी थी, इसमें शामिल कर दूंगी ये, और इनको मिक्स करूंगी। तो ये देखें कितना अच्छा सा एक ये हमारे फिलिंग तैयार हो चुकी है। और अभी मैं इसमें शामिल करूंगी जो मेरे पास ऑलिव्स और ये जो मैंने शिमला मिर्च काट के रखी थी, ये इसमें शामिल करूंगी। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो छोड़ दें, रहने दें। तो ये देखें इसको हमने पकाना है। तो ये देखें ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको चूल्हे से हटा दूंगी, बंद कर दूंगी फ्लेम इसका, और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। और अभी मैं बनाऊंगी क्रेप्स। अच्छा जी, ये देखें एक पैन हमने ले लिया है, अभी हम इसमें बनाएंगे क्रेप्स। और ये देखें कुकिंग ऑयल मैंने लिया था, इसके ऊपर मैं, ये देखें इस तरह से हमने लगा लेना है कुकिंग ऑयल। आप जो है बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही कहा था कि मेरे बच्चे बटर नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैं बटर यूज नहीं करूंगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें पैन में हमने जो है, ये देखें कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया है। और इसके बाद हमने ये करना है कि हमने ये जो है बैटर ये लेना है, ये देखें इस तरह से, और इसको हमने जो है ये देखें पूरे पैन में इस तरह से फैला देना है। ये देखें, ये देखें, और इसको 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है, जब तक ये पैन की जो है साइडें छोड़ ले। तो ये देखें जी, इसने पैन की साइडें ये देखें छोड़ दी हैं, और इसके हम ये देखें इस तरह से, ये देखें दोनों साइड से ये पक चुका है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, और इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में। ये देखें इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये देखें इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेंगे ये देखें।
अच्छा जी, ये देखें क्रेप्स हमारे, ये देखें तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही, ये देखें सॉफ्ट है, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इस बैटर से हमने जो है 6 जो है तैयार किए हैं, ये देखें। अच्छा जी, ये देखें एक जो है हमने क्रेप्स ले लिया है इस तरह से, और इसके ऊपर मैं ये देखें डालूंगी चीज पहले। अच्छा, चीज आप पकाते वक्त ये जो हमने ये बनाया था ना, इसके लिए फिलिंग बनाई थी, तो इसमें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो है फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा इसका। ये देखें इस तरह ये हमने शामिल कर दिया है, और ये देखें और इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है चीज डाल दूंगी। ये देखें, ये बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अभी ये एक साथ ये बनेगा नहीं, और ये देखें इस तरह से ये जुड़ेगा नहीं, तो हमने इसके लिए, और ये देखें ये इस तरह से मैं इसको बंद करूंगी, ये देखें, लेकिन ये जो है बंद नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने ये देखें स्लरी तैयार की है एक, ये देखें, ये इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे और इसको जो है बंद करते जाएंगे, ये देखें इस तरह, ये देखें जी, ये देखें, और ये देखें जी, तो देखते जाओ जी, देखते जाओ हमारी रेसिपी आज की, बहुत ही स्पेशल रेसिपी फॉर यू। ये देखें बंद कर दूंगी, ये देखें जी, तो इसको हम इस तरह से पलट के और ऐसे रख देंगे, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें जी, और इसी तरह से मैं दूसरे भी तैयार कर लूंगी। अच्छा जी, ये देखें ये सारे जो है मैंने फिलिंग कर लिए हैं, अभी मैं इनको फ्राई करूंगी। और ये देखें एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं जो है ये डाल दूंगी, इसमें ये जो हमने क्रेप्स जो है तैयार किए थे, ये देखें एक साइड से फ्राई करके हम दूसरी साइड से भी इसको पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें एक साइड मैंने चेंज कर ली, अभी इस साइड से मैं इसको पका रही हूँ, ये देखें। तो ये देखें दोनों साइडें जो हैं पक चुकी हैं, अभी मैं इसको निकालूंगी, ये दोनों साइड हमारी जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजे की, ये देखें, और आप इसको जब खाएंगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ये देखें दोनों साइड है माशाल्लाह, देखें कितनी अच्छी सी बन गई हैं, और मैं दूसरे भी फ्राई करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, तैयार हो चुके हैं हमारे चिकन चीज क्रेप्स, बहुत ही मजे के हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं, और आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो इसको ट्राई कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ जी कि ये लग कैसे रहे हैं। तो ये देखें एक मैं आपको दिखाती हूँ काट के एक, और ये देखें जी इसको रखते हैं साइड में, और ये देखें जी, ये देखें, एक तो मैंने कटिंग करके पहले ही रख दिया था, और ये मैं आपकी वजह से कटिंग, आपके लिए ये बाइट है जी। अच्छा, आपके पास अगर चीज़ ना हो या ऑलिव ना हो तो आप इसमें ना शामिल करना, तो ज़रूरी नहीं है ऑलिव और जो है चीज़, आप चीज़ के और ऑलिव के बगैर भी इसको बना सकते हैं जी। तो ये देखें जी बहुत ही मज़े का, ये देखें जी, वाह, ये देखें चीजी चीजी सा, आप चीज ना भी इसमें डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। तो आइंदा भी मिलेंगे आपसे अच्छी अच्छी और यूनिक किस्म की रेसिपी के साथ, विंटर रेसिपी के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।